हकीकत ये है कि अभी भी हमारा प्रदेश उस तरीके से विकसित नहीं हो पाया जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा, या जिस तरीके की सोच हमारे पूर्वज चाहते थे, या जिस तरीके के बिहार को हम सब देखना चाहते थे। बिहार में अभी भी विकास के कई कार्य होने बाकी हैं, और हर क्षेत्र में, शिक्षा में बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की ज़रूरत है, यहाँ पर रोजगार के अवसर और मुहैया कराने की ज़रूरत है। ना के बराबर इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर हुआ, किस तरीके से यहाँ पर निवेश हो उस पर हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। जब दिल्ली बिहार में जब हमारे युवा जाते हैं तो उसके साथ साथ चिंता मेरी इस बात को भी लेकर बढ़ती है कि सिर्फ रोजगार या शिक्षा के लिए लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, समर्थ परिवार के जो सक्षम लोग हैं वो लोग भी दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं अपना व्यवसाय बसाने। या तो यहाँ पर लैक ऑफ सिक्योरिटी है, या लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से पलायन यहाँ से निरंतर होता जा रहा है। ये लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में हम लोग सरकार का समर्थन कर रहे हैं, हम लोग सरकार का हिस्सा नहीं है। हम लोग का कोई भी विधायक बिहार सरकार में मंत्री नहीं, अगर मंत्री होता तो डिसीजन मेकिंग कमेटी का हम लोग हिस्सा होते, अगर मंत्री होते तो कैबिनेट का हम लोग हिस्सा होते, हर वो जानकारी, हर वो चिंता या सुझाव जो हम लोग सरकार से हम लोग पारित कराना चाहते हैं, हम लोग बिहार सरकार के समक्ष उस कैबिनेट की बैठक में या उस डिसीजन मेकिंग कमेटी के बीच हम लोग रखते।